કેમ છો ગુજરાતી મિડડેમાં હું ચિંતના ભણ તમારું સ્વાગત કરું છું આજે આપણી સાથે છે રીતમ શ્રીવાસ્તવ અને ક્રાંતિ પ્રકાશ ઝા વજનદાર નામો અને વજનદાર શો રક્તાંચલ આજે આપણે રક્તાંચલના ડિરેક્ટર અને રક્તાંચલના લીડ એક્ટર સાથે વાત કરીશું હવે બતાઈએ રીતમ હમ પહેલે આપકો થોડા પરેશાન કરતે હૈ કે વોટ ડઝ રક્તાંચલ મીન ટુ યુ રક્તાંચલ આપકે લીએ ક્યા હૈ Ratanchal is everything to me. Obviously, it's a, it's an amazing, amazing story, and uh, it's about these two gangsters, the very glorified uh, rivalry between these two gangsters. And so, it's quite famous, of also based on true incidents, and yeah, so very close to the heart. So, this has given me a lot of like some name and some, uh, you know, recognition, and people have loved it. So, obviously, it's very close to the heart. Or. क्रांति प्रकाश झा hmm, तीन नाम एक साथ वसंतर नाम है काफी जरा उसके बारे में बात करते हैं फिर रक्तांचल पे चलते हैं uh, नाम शायद मेरे माँ के एक मामा थे जो आर में थे आज से बहुत सालों पहले मेरे ख्याल okay. से उन्नीस की बात होगी मजाक कर रहे हैं नॉट नाइनटीन बट एनी तो <laughs> जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने कहा इसका नाम क्योंकि मेरे भैया का नाम उज्ज्वल है तो दे कि क्रांति इज द क्रांति इज द राइट चॉइस

यू विल यू विल नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ यू नो ऑथर बैक रोल्स टेलर मेड रोल्स एंड अब मेरी बचपन से एक बड़ी uh, अग्निपथ मुझे बहुत अच्छी लगी थी पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ मैं तो ऐसा ही कुछ एक एंग्री यंग मैन मेरे अंदर भी शायद होगा तो जब uh, सर ने जो है व्रीतम श्रीवास्तव ने मुझे याद है मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी मैं पटना से इनसे मिलने आया था क्योंकि ही जस्ट वॉन्टेड टू मीट मी और बारिश का समय था और मेरे ख्याल से उसी दिन सब कुछ तय होना था थैंक्स टू यू yeah. तो फॉर एंड मुझे एक ही चीज़ विजय सिंह के बारे में लगी थी कि वो जो उनका डायलॉग है बच्चन साहब का कौन सा लतपथ अग्निपथ 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 तो yeah. so, विजय सिंह मुझे लगा कि यार और मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ तो इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू और second season आ गया है hmm. और जब वेब सीरीज की बात करें तो सीजन यू नो फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन

जो कि सबसे जरूरी है अगर हम कलाकारों के लिए सबसे जो जेनविन पुरस्कार होता है वो जनता का प्यार होता है एंड यू यू बिलीव आई मीन आफ्टर रक्तांचल सीजन वन रिलीज दैट वाज इन लॉकडाउन जब लॉकडाउन प्रचंड था तब उस टाइम पे लेकिन फिर भी सिंस देन टिल नाउ वेन आई एम पोस्टिंग एनीथिंग वेदर आई एम हैविंग समथिंग और आई एम डूइंग सम का एक यही सवाल था कि रक्तांचल सीजन टू का बारे है तो इतने प्यार के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया Yeah, I'm really grateful to the audience actually, like to love for the love and affection that we got. प्यार की बात आप कर ही रहे हो। लल्ला, लल्ला, लल्ला। Exactly, exactly. <laughs> we can talk about like drama, crime, bloodshed, bloodshed. Drama and bloodshed से आपको कितना प्यार है? No, no. Actually, this was a demand of the story. I think uh, 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 ये कहानी ऐसी थी, gangster uh, rivalry पे है. Obviously, Purvanchal है एक certain <laughs> time.

कि uh, हम अगर इंस्टाग्राम फीड देखें तो mm -hmm. काफ़ी रोमांटिक uh, लगते हैं आप और आपका किरदार तो बिल्कुल एकदम यू नो इट्स इट्स लाइक री एंग्री यंग मैन तो uh, जब आप कोई किरदार प्ले करते हो उसका एक प्रोसेस होता है ऑफकोर्स वर्कशॉप्स होती हैं यू गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर एंड ऑल दैट बट एक आपका एक बेसिक नेचर होता है और जो किरदार की पर्सनालिटी होती है उसके साथ एक एक बहुत इंटरेस्टिंग संघर्ष होता है mm -hmm. तो उसके साथ एज एन एक्टर आपने कैसे डील किया सी देर आर बिटवीन क्रांति प्रकाश झा एंड विजय सिंह इन एंड दिमिलैरिटी एंड विजय सिंह गेट्स एंग्री यंग मैन एंड गेट्स ही गेट्स वायलेंट एंड देन ही ऑफ यू नो टेकिंग रिवेंज तो मेरी सिमिलैरिटी वही खत्म हो जाती है अदरवाइज लाइक विजय सिंह आई एम ऑल्सो वेरी घरेलू काइंड ऑफ गाय आई आई लव माई फैमिली एंड आई लव दिस कंट्री

How he's gonna walk, how how walk, talk, talk. talk, and how much he's gonna talk. So they they had everything planned, planned out. So I'm he, doesn't talk, he do. He do. <laughs> <laughs> OTT से अगर हम क्राइम dramas uh, की बात करें तो बहुत सारे options हैं इट गेट्स वेरी टफ यू नो कि content दूसरों से अलग रहे या बैकग्राउंड अलग होता है प्रेमाइस अलग होता है तो एज ए director कहाँ मुश्किलें आई वो बनाने में और एंड ऑफ कोर्स ब्लड एंड गॉर एंड यू नो वायलेंस तो यू हैव टू ट्रेड आई विल नॉट से सेफली लेकिन क्या होता है ना कि कहीं रेपिटेटिव ना लगे यू mm. नो you know, क्योंकि बहुत कुछ आ रहा है mm. और फॉरेन uh, कंटेंट भी बहुत है अब तो तो so, क्या uh, मुश्किल था और व्हाट डू यू थिंक वर्कड फॉर रक्तांचल के वो अलग लगा दूसरे शोज से क्राइम ड्रामा की बात करेंगे तो uh, हमेशा से रहे स्टार्टिंग फ्राम गॉड फादर टू यू नो मिर्ज़ापुर टू रक्तांचल टू एनी अदर शोज टुप टू पी की ब्लाइंड शोज हमेशा रहे हैं। हमेशा क्राइम ड्रामा की बात हुई है लेकिन बहुत इंटरीगिंग जॉनर है वो इंट्रेस्टिंग जॉनर है और uh, हर बार हमें ये कोशिश किया जाती है बिकॉज उसका जो किरदार की जर्नी है दैट बिकम्स डिफरेंट एंड हैज़ टू भी ट्रीटड डिफरेंटली ओबियसली और uh, मिर्जापुर uh, की अलग uh, जर्नी right. है गॉड uh, की अलग थी रक्तांचल की ऑब्वियसली वी वॉन्ट लाइक कीप इट वेरी ग्रंजी वेरी रियल वेरी वेरी रियल एट टाइम्स यू नो वी वेंट टू समक रियल प्लेस ऑल्सो इन शॉर्ट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आई डोंट नो दैट जस्ट अ क्रेजी साइड ऑफ अस दैट वी थॉट कि चलो ठीक है यहाँ पे ये ऐसा कुछ हुआ था ऐसा रियल इंसिडेंट ऐसा हुआ था शूट आउट वहीं करें क्या हाँ चलो वहीं कर लेते <laughs> <laughs> हैं तो वो क्या, वो उस तरह का किया हुआ है जहाँ से भी हमको थोड़ा बहुत आइडिया मिला तो आई थिंक दैट्स अ क्रेजी दैट्स अट्स द क्रेजीनेस फॉर सिनेमा दैट यू हैव वो बह, बहुत आराम से कहीं और भी हो सकता था लेकिन जस्ट लिटिल अवे बट दैट्स अ लव फॉर सिनेमा एंड आई थिंक दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर अदर शोज एंड एंड अदर स्टोरीज इज बेसिकली द जर्नी ऑफ दैट प्रोटैगनिस्ट जो जो उसको अलग बनाती है तो उन्होंने बताया कि कई बार यू नो ऐसा डिसीजन लिया गया कि वहीं जाके करते हैं तो आप दोनों शेयर कीजिए शूटिंग के दौरान की कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ hmm, बहुत सारी हैं लेकिन जो सबसे पहले मुझे याद आती है वो सीजन वन का क्लाइमैक्स क्योंकि विजय सिंह इज सपोज टू गेट इंटर द वॉटर आई डोंट नो हाउ टू स्विम देर वॉज दिस हार्नेस एवरी सेफ्टी प्रिकॉशन वॉज टेकन केयर ऑफ बट आई हैड टू फॉल्ट आउट

मैंने उनको देखा मैंने इनको देखा और अंदर से मैं चूँकि मतलब दो डिग्री और वहाँ पे हड्डियों की कुल्फी जम चुकी थी बहरहाल किसी तरह हमने वो मैनेज किया तो वो एक ऐसी चीज़ और दूसरा एक और सीन था रामलीला में मैं हनुमान का रोल कर रहा था दैट वॉज थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी नाइनटीन एंड आई है हनुमान शॉर्ट्स और वो सारी चीज़ें तो कुछ नहीं होता

सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ और गरीबों जिंदगी रह भी गई तो नौजवानी फिर कहाँ तो हाँ। रोमांटिकंद मैंने हमेशा कोशिश यही की है ही कि बहुत सारा घूमू लोगों को मिलूँ क्योंकि जैसे बचपन में सुनता थे कि भाई कहीं जाएंगे तो बाद के लिए रखते हैं बात के लिए रखते हैं पर बात के लिए कुछ रखा नहीं जा सकता Hmm. तो इसीलिए ज़िंदगी है एक मिले जितना घूम सकते हैं घूमें और मेरे अंदर चेंजेस ये आए हैं कि मैं घूमने की वजह से लोगों से मिलने की वजह से शायद मेरा जो पर्सपेक्टिव है क्योंकि तो जब आप बिहार में होते हैं या आप वहाँ से पढ़ाई करते हैं जब आप फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं यू गो टू डेली यू जॉन डेली यूनिवर्सिटी देन यू कम टू बॉम्बे सो आपका हराइजन जो बहुत ब्रॉड होता है बिकॉज ऑफ दैट ट्रैवलिंग एक्सपोजर मिलता है तो आई I मीन mean, जैसा भी मैं हूँ जो भी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ रीडिंग एंड ट्रैवलिंग रीडिंग की बात कही व्हाट डू यू लाइक टू रीड बायोग्राफीज अभी मैंने विल स्मिथ वाली सुना है कि बहुत अच्छी है तो मैंने उसके पहले गुलजार साहब जो शेर वारी शहर रामधारी सिंह दिनकर तो हिंदी साहित्य बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है राग दरबारी किताब है

मैं फर्स्ट ईयर में हिंदू कॉलेज में मैंने यूपीएससी okay. क्रांति प्रकाश झा भारतीय पुलिस सेवा ये मैंने फर्स्ट ईयर में और इग्नो से सारा क्योंकि लोग भी कहते थे तुम पागल हो गये अभी से मैंने कहा क्या करें यार यही करना है पर हाँ, तो जैसा की होता <laughs> है मैन गॉड डिपोजेज तो तो माँ और पिता माता और पिताजी को थोड़ा सा दुख होगा कहीं लेकिन आई रिमेम्बर जब मैं स्वामी रामदेव कर रहा था उसमें तो मैंने रामदेव की भूमिका निभाई थी स्वामी जी की भूमिका निभाई थी तो उसका बहुत बड़ा लॉन्च था दिल्ली में एक स्टेडियम में तो मैंने कहा माँ को आप भी आइए आपको अच्छा लगेगा तो माँ ने जब देखा पूरा मतलब स्वामी रामदेव के गेटअप में और लोग किस तरह से मुझे चाह रहे हैं या फिर सम्मान कर रहे हैं चाहे एस वाले हों चाहे कोई भी हो ब्यूरोट्स हों तो माँ को उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि फिर माँ ने कहा मुझसे कि अब बिहार में लोगों को बऊआ कहते हैं जो उनके बच्चे होते हैं तो बऊुआ आज हमको आज कोई दुख नहीं है okay. आज हम कहे चलो यही करोगे तुम तो दैट वॉज अ डे एंड वी बोथ क्राइड एंड सिंस देन मैंने और कसम ठान ली क्योंकि मेरे पिता ने जाते जाते मुझसे एक बात कही थी कि जो भी अब आप करें क्योंकि उनको जब मालूम चला कि मैं अब दिल्ली में नहीं रहता बॉम्बे एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने घर नहीं बताया था कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ मैं सीधा चला आया बिकॉज ऑफ माई ब्रदर उन्होंने कहा तुम जाओ मैं देख लूँगा तो तीन महीने मैंने उनसे झूठ कहा था कि मैं दिल्ली में हूँ पर जब उनको मालूम चला बहुत दुख हुआ क्योंकि ही ऑलवेज मी टू बी क्योंकि वो खुद भी एक ब्यूरोट थे तो उन्होंने कहा बेटा अब आप जो करिए ना मैं चाहता हूँ कि आप सफलता के चरमोत्स में पहुंचिए और वो दिन है और आज का दिन है कि मैं वो चीज़ हर सुबह अपने आप को याद दिलाता हूँ तो आपको हम पूछते हैं एक रितम से सवाल करने के बाद कि यूपीएससी से एक्टिंग कीड़ा <laughs> ये वो कहानी बताइए और आप अप, अपनी बात भी कीजिए ये सिनेमा से प्यार और सिनेमा सिनेमा एक शब्द है उसको मैं sure. इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या? गाली तो नहीं है ये ये प्रकाश झा असिस्टेड हिम फॉर ग्लोरियस लाइक वन डेके आरक्षण चक्र व्यू सत्याग्रह एंड आई स्टार्ट मेकिंग

यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ बोलो थोड़ा वजन वजन सारी कहानियाँ वही सुनते हैं जो बना रहे हैं अभी <laughs> <laughs> चाय और समोसों पे जो वहां पे किया हुआ है ना मैडम लखनऊ में आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम बोर्डिंग स्कूल टू ये वो एग्जैक्टली exactly हम वही बना रहे हैं वही बना रहे हैं वही जी रहे हैं उन्हीं किरदारों को जी रहे हैं और yeah, wow. इसी वजह से वो किरदार जो है जो देखे हुए हैं ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज लाइक दैट लाइक बट एवर यू सी द कैनवस ऑल्सो आई थिंक लखनऊ प्लेज अ फेवरेटल रोल

बहुत ज़ोर से एक्टिंग आ गई शायद क्या लगी है एक्टिंग लगी है <laughs> 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 तो आ, कुछ नहीं मेरे ख्याल से वहाँ पे लोगों को उस जमाने में अपनी ट्रू कॉलिंग समझने में वक्त लग जाता होगा जैसे इनको पहले से पता था मुझे मालूम नहीं था क्योंकि भाई घर वालों ने बताया था कि आपको यही काम करना है तो एक बार मैं जब मैं टेंथ में एलेवंथ में था तो माँ से मैंने कहा था कि माँ मुझे कराटे सीखना है और उसके बाद जो माँ ने मेरा कराटे बनाया था और वो चूड़ियाँ भी टूटी माँ की माँ को रोना भी आया कि अरे क्यों मारे इतना मैंने कहा तो कराटे सीखने दिया होता नहीं नहीं पढ़ाई करना है सिर्फ तो बहुत समय तक ये पता नहीं था कि आखिर करना क्या और बाकी नियति है गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूँ फिर तू कर वो जो मैं चाहता हूँ और होगा वो जो तू चाहता है तो वही नियति थी और नियति यहाँ पे लाके आपके सामने बिठा दिस 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 इंट्रोड्यूस्ड इन इन द सीजन सीजन आल्सो इज अ डायलॉग तो ऐसे ही मेरे ख्याल से यही नियति थी और यही मुझे करना था और आप यकीन माने हर इंसान को जहाँ पे होना होता है वो वहीं होता है और जो करना होता है वो वही करता है कभी भी किसी तुलना में नहीं पड़ना चाहिए कि काश में वैसा कर लेता या मैं ऐसा हो जाता नहीं वेरी डीप

ये कौन है मैं भी जानना ये कौन है कहाँ है और भाई कुछ प्लीज oh, बोलती yeah. नहीं, मैं, मुझे don't, don't नहीं है बहुत बोलती है अब मे भी शायद मुझे लगता है चार चीजें तय होती है नहीं नहीं एक तो जन्म दूसरा मृत्यु तीसरा यूपीएससी आपका ये, ये और चौथा शादी अच्छा। ये चारों चीजें हैं वो ऊपर से लिखी होती हैं और जिस दिन, दिन करने करना पड़ेगा ये ये ऊपर वाले करवाएंगे तो जिस दिन प्रकट होना होगा बट हाँ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मैं बहुत एक दो दफे कुछ लोग मैं नहीं था घर पे भी आ चुके थे तो मुझे बड़ा डर भी लगा कि कैसे मतलब मुझे लगता है आजकल संस्कारी लोग लोगों को बहुत पसंद नहीं आते कैसी लड़की अच्छी लगती है साथी साथी सबसे होना जरूरी है जो साथी हो आपके और मैं उनका साथी हूँ हाँ आप पीछे से बैकग्राउंड बैकग्राउंड म्यूजिक देता हूँ तुम बोलो तुम्हारी आंखें बस देखिए मेरे मेरे लिए प्रेम का ये मतलब है कि लाली मेरे यार की जित देखूं तित लाल लाली मेरे यार की जित देखूं तित लाल लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल तो जिस दिन ऐसी कोई साथी मिलेगी एक तो रक्तांचल रोमांटिक हो गया यार इतनी बातें इतनी तुम मत किया करो इसका ही फिलॉसफी का इतना पढ़ा लिखा है ना ये इतने रोमांटिक बंदे को हैंडल करने वाला डायरेक्टर रोमांटिक नहीं हो सकता तो मैं नहीं मानता नहीं वो आप अरे ये ये मतलब घनघोर रोमांटिक है घनघोर जो आप कह सकते हो और इनके बहुत किस्से हैं इनके लखनऊ से लेके मुंबई तक तो 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 मेरे बारे में तो बहुत बात हो गई अपने बारे में बताओ अंदर अब कोई 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 किस्सा नहीं है अधूरी कहानी अधूरी कहानी अह या थोड़ा आई एम हो गया खत्म आई थिंक वी आर टू ब्रटू एग्जॉस्टेड राइट लाइक द वर्क यू नो इज टेकिंग ओवर अ लॉट ऑफ टाइम आई थिंक सो यू नीड दैट आई थिंक इफ देयर इज या दिस इज व्हाट आई फील और यू नीड अ पार्टनर हु डजंट नीड योर अटेंशन 24/7 या अदरवाइज तो जाना यार oh, मतलब आई डोंट डोंट वांट टू गेट लॉस्ट ओके हैप्पी वैलेंटाइन डे व्हाटएवर

Yeah. Close to your heart kind of. of I think all the films Kashyap for sure. What about you? Guide. Oh. बहुत कमाल की फिल्में बहुत बार देखी है फिर uh, दीवार प्यासा शोले अग्निपथ जब वी मैट बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं फिर uh, हीट एक uh, फिल्म है रॉबर्ट गिनरवाल पचिनो तो वो फिल्म जब भी मैं कम से कम 25 बार देख चुका हूँ so, मैं तो आप दोनों ऑफ कोर्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो बहुत सारी बातें होती होंगी बहुत सारा टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हो बट नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क वन क्वेश्चन टू ईच अदर जो आपने आज तक पूछा नहीं है एक दूसरे को इफ यू वॉन्ट आस्क इम समथिंग एज अ डायरेक्टर एज अ फ्रेंड एनी अपार्ट फ्रॉम विजय सिंह वट एग्जैक्टली टेल मी अर रोल दैट

Done I for know, some time. I want to explore uh, different genres. I'm doing one, I told you. Oh yeah. So yeah, I can't like really like talk about yeah. it. But yeah, something different from Rakanshan. Oh. Fun space and then we again come back to season 3. <laughs> oh, that's lovely. Yeah. What would you like to say to the audiences, to the girls who stuck you, both of you? सो प्लीज़ वॉच रक्तांचल सीजन टू इट्स आउट नाउ पीपल हैव नॉट सीन सीजन वन प्लीज डू वॉच सीजन आल्सो एंड सीजन आल्सो एंड थैंक यू फॉर फॉर ऑल द ऑडियंस हु हैव लव्ड सीजन वन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव फॉर सीजन वन एंड विजय सिंह इज़ बैक जैसा कि सीजन वन में डायलॉग भी था कि आज के बाद से यहाँ का हर ठेका विजय सिंह के नाम का होगा तो सीजन टू में भी अपना अपने प्यार का ठेका हम लोगों को दें बहुत अच्छा है बड़ा है बेहतर है और जो आपने दूसरा एक सवाल कहा कि भाई उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे तो मैं कुछ लिखता भी हूं तो कभी आपको अगर मन करे तो आप जाके सुन सकते हैं सकती या है, सकता दून भगवत जिनको भी मन करे कोई आंखों आंखों में बात कर लेता है कोई आंखों आंखों से बात कर लेता है पर मुश्किल होता है तब जवाब देना जब कोई खामोश रहकर भी सवाल कर लेता है उफे मोहब्बत थैंक यू इतना रोमांटिक yes. बंदा और गर्लफ्रेंड नहीं है हाउ कैन यू यू बी डेफिनेटली तो छुपा रहे हैं। रहे हैं छुपा रहे हैं। यार इतनी लड़कियों को दुखी कर दिया यार छुपा रहे हैं। नहीं उनके लिए मैंने हैप्पी नोट गुजराती मिड डे इज वेरी थैंकफुल टू यू हमें बहुत अच्छा सो मच